गाइज आभार अभिनंदन, मैं लक्ष्य गुप्ता और आपके साथ एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक और इंटरेस्टिंग और एक और फनी। देखते रहिए पूरी वीडियो। इसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आज हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे करंट पास करके। तो देखते हैं कैसा करंट और कहाँ पे होगा। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आज हमारे पास एक ग्लास है, ये दो पेंसिल है जो दोनों तरफ से शार्प हुई हुई है, ये नमक है साल्ट NaCl, ये पेपर है और ये बैटरी और ये वायर है जिससे हम करंट पास करवाएंगे उससे। तो आज हम करेंगे क्या, पहले आज हम करेंगे वाटर हाइड्रोलाइसिस। तो उसके लिए पहले हम लेंगे वाटर। हमारे पास इतना ही पानी बहुत है, अब हम डायरेक्ट इसमें करंट पास नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें मालूम है वाटर बैड कंडक्टर है। तो पहले हम उसे गुड कंडक्टर के लिए उसमें NaCl मिलाएंगे। तो अब हम NaCl इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि जब पानी के साथ मिलेगा तो हमें करंट पास करवाने में इजीली कर मदद करेगा। तो अब हम इसमें सॉल्ट लेते हैं। अब हमने इसमें पूरी सॉल्ट डाल दी है और हम इसे अच्छी तरह मिक्सअप कर लेते हैं। सॉल्ट का पानी बन गया है, ये अच्छी तरह मिक्सअप हो गया। अब हमने सॉल्ट डालने के बाद अब इसमें हम करंट पास करवाएंगे। तो इसके लिए हमने लिए हैं दो पेंसिल जो दोनों तरफ से शार्प है। हमने ये ऐसा क्यों लिया है कि हम ये दोनों ही पेंसिल ही क्यों लिए, क्योंकि पेंसिल कि हमने जरूरत ही नहीं है, हमें इसके अंदर के मटेरियल ग्रेफाइट की जरूरत है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें हम एक कैथोड और एक एनोड लेंगे। कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसमें पानी में डालते हैं ये दोनों चीज। अब हम इसमें डालते हैं, अब हमने इस दोनों को अंदर ले लिया। ये कितना अंदर चली गई है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब हमने इधर दोनों पेंसिल अंदर डालनी है। अब क्या करते हैं, उसमें हम करंट पास करवाते हैं। करंट पास करवाने के लिए इसको हम पहले पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इंटरकनेक्टेड या कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमने मैंने एक ली है वायर, जो एक ब्लैक वायर है रेड वायर है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कन्फ्यूज करती है। हम एक तरफ हम ब्लैक वायर डाल देंगे और एक तरफ वाइट वायर। उससे पहले ये हमारे कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी है। हम इसको हम ऐसे अंदर फिक्स करके हम इसके साथ इंटरकनेक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पहले इस वायर को फिक्स कर लेते हैं। बैटरी के साथ अभी हम इसको कनेक्शन करेंगे, लेकिन अभी हमने वायर के साथ इसको कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसमें हम करंट पास करवाने के लिए बैटरी है अब उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसको कनेक्ट के साथ ये देखिए बस। तो गाइस हमने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। अब आप कुछ समय बाद देखेंगे कि इसमें अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इधर नीचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या थोड़ा एनोड बबल्स आने लग गए हैं दोनों पेंसिल्स में। एक पेंसिल को हमने कैथोड लिया है और एक पेंसिल को हमने एनोड लिया है। कैथोड वाली पेंसिल की साइड हमारे पास है हाइड्रोजन और एनोड वाली साइड है हमारे पास ऑक्सीजन। हम वाटर को हम करंट पास करवा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पा सकते हैं। इस गाइस देखिए बबल कितनी ब्यूटीफुल है और रिएक्शन भी अच्छी हो रही है। तो गाइस आज हमने देखा जब हम वाटर को जब करंट पास करवाते हैं तो वाटर में अगर हम कैथोड एनोड हो तो कैथोड में हाइड्रोजन आती है और एनोड में ऑक्सीजन आती है। यही देखा आज की हमने ये वीडियो में। अब अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।